आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ ये शेयर करूंगा कि हमारी एजेंसी में वो क्या फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम अपनी की परफॉर्मेंस अप अपन एक्स बेटर या बूस्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर एड क्रिएटिव की परफॉर्मेंस इस सेम मेथडोलॉजी को यूज करके हमने हमारे क्लाइंट्स को स्केल किया है जीरो टू स्पेंडिंग अप टू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर डे ऑन एड्स

सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहूं मेरे अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से माय नेम इज सप्रा विदाउट एनी फर्दर स्टार्टेड हाउ टू ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस ऑफ फेसबुक एड्स एंड इंस्टेंटली गेट टेन बेटर रिटर्न ऑन एट स्पेंड By understanding and testing the eight variables of an ad. Now I want you to carefully notice in this screenshot that I'm sharing on the screen here that this particular ad account from February 1st to February 7th approximately spend 49,000 rupees. And razor-pressed screenshot, so we generate close to 5,57,000.

ज बाइ अंडरस्टैंडिंग हाउ डू यू ऑप्टिमाइज वन पर्टिकुलर एड क्रिएटिव कि एक एड क्रिएटिव की परफॉर्मेंस को किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है बाय सिंकिंग अबाउट एंड कीपिंग इन माइंड एट वेरिएबल्स ऑफ एन एड नाउ ये जो भी मैं चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है दिस इज नॉट एनी रैंडम फ्लफ की मुझे पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ इनफैक्ट यूट्यूब पे ही अगर आप जाओगे कम्युनिटी के अंदर तो आपको देखेगा मैंने एक पोस्ट किया था मार्च ट्वेंटी नाइन्थ को वेयर फॉलोइंग द सेम मेकनिज्म आई वॉज एबल टू टेक एन एड अकाउंट फ्रॉम स्पेंडिंग जीरो रुपीज टू लिटली स्पेंडिंग फिफ्टी थ्री थाउजेंड पर डे ऑन एड्स एंड मैंने उसका स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था ये भी उसी का प्रूफ है सो दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम माई हैंड्स ऑन प्रूफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग थिंग्स प्लेइंग द गेम इन द फील्ड आउट देयर इन द ट्रेंच इज रोलिंग अप माई स्लीव एंड मेकिंग दिस हैपन ओके नाउ इस वीडियो में हम तीन चीजें जानेंगे आप ये तीन चीजें समझेंगे कि वो आठ वेरिएबल्स

एक यूजर जर्नी अगर आप सोचो कि यूज़र फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आया लॉग इन किया तो किस तरह से उसका जर्नी जो एक यूजर फ्लो होता है वो किस तरह से होता है सो स्टेप वन होता है थिंक वॉट स्टॉप्स द स्क्रोल राइट आई वॉन्ट टू आस दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ दैट वॉट विल मेक सम मन स्टॉप स्क्रोलिंग थ्रू द न्यूज़ फीड एंड पे अटेंशन टू वट एवर इट इज दैट यू हैव टू शेयर वॉट इज दैट गोइंग टू बी नाउ सम ऑफ यू विल से इट्स गोइंग टू बी द हुक बट लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट द हुक

And that in itself gives you three variables, right? Variable number one in one ad is the first three to ten seconds of an ad, which which are the visuals of an ad, or you can say first one to ten seconds of an ad, right? Which are the visuals of an ad. Variable number two is the thumbnail of the ad, okay? If it's a video ad, and the variable number three is the design over the overlay text, which is in case of image. These are three variables which are going to स्टॉप सम्रोल ओके सो वेरिएबल्स जानने के लिए आठों वेरिएबल्स को समझने के लिए हमें यूजर जर्नी को समझना जरूरी है जिससे आपकी लर्निंग ईजी हो जाएगी और आप अपनी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की कर पाओगे ओके थ्री वेरिएबल्स इन द फर्स्ट थिंग इट सेल्फ विच इज वॉट विल स्टॉप द स्क्रोल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन द स्टेप टू दैन यू वॉन्ट थिंक अबाउट इज थिंक वॉट टू देक्स्ट दैट आफ्टर दे हैव स्टॉप द स्क्रोल वॉट आर दट आर दे गोइंग टू डू नेक्स्ट What will someone do immediately after your ad makes them stop the scroll? And that brings me to the next variable, which is the overlay text or the header of, of your ad. Then think about the next step, which is step number three. After they have seen the overlay text or read the overlay text in the header, what will someone do immediately after now that they have stopped the scroll? read the bullet text what is the next step what will they do next that brings me to the next variables variable number five is the headline which is the text that goes right next to the learn more button and also the description that goes right below the headline right so they will read the headline which is next to the learn more button and they'll probably also read the description which goes below the headline that these are two more variables so now we have total of six variables i want you to now think what is going to be the next step after they have stopped the scroll read the overlay text headline description as well what is going to be probably the next thing they will look at and that brings me to the variable number 7 which is the ad copy hook which is the first 2 3 lines first few lines of your entire ad copy and i want to emphasize on this i'm not saying the entire ad copy I am saying add copy hook. Now this is दिस इज दिस इज़ समथिंग दट वी हैव क्रिएटेड आर सेल्स इन साइड आवर मैं अपने टीम को ऐसे ही ट्रेन करता हूँ सो so, जो भी मैं आपसे या मैथडोलॉजीज़ यहाँ पे फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ ये हम खुद हैंड्स ऑन अप्लाई करते हैं मैं अपनी टीम को भी इसी तरह ट्रेन करता हूँ बिकॉज इससे फिर टेस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है और हम एड्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं इनफैक्ट हम एक ही ऐड को काफ़ी समय तक चला लेते हैं लाइक like, एक ऐड हमने दो आई थिंक तीन ऐड्स हमने इस क्लाइंट के लिए पर्टिकुलरली पिछले डेढ़ साल से चला रहे हैं एंड वो आज भी हमें रिज़ल्ट देती है इट्स फॉलोइंग दिस सेम मैकेनिज्म ओके नाउ दिस इज द बेस्ट वे टू सी दैट एंड टू अंडरस्टैंड दिस इज टू रियलाइज दैट वट इज द टेक्स्ट दैट दे सी बिफोर दे हिट द सी मोर बटन अगर आप किसी भी ऐड को देखोगे फेसबुक में, में या इंस्टाग्राम में तो वहाँ पे एक सीमोर की काइंड ऑफ ऑप्शन रहती है जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको पूरी एड कॉपी पूरी प्राइमरी टेक्स्ट दिखता नहीं है सो so, ये जो टेक्स्ट है जो मैं बात कर रहा हूँ ये उसको उस सीमोर की ऑप्शन को हिट करने से पहले जो होता है ये उसकी बात करी जा रही है ओके okay? स्टॉप कर लिया स्क्रोल ओवरले ए भी रीड कर लिया हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली एड कॉपी हुक भी पढ़ लिया वॉट इज इट देक्ट एंड दैट ब्रिंग्स मी टू ने हिड नाउ रीड दर एड कॉपी सो ये होते हैं आठ वेरिएबल एन एड

नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू प्रोबली हैव राइट नाउ कि वेरिएबल्स वाली इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी थी कभी सोचा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसका मतलब हमें ये सब टेस्ट करना चाहिए एबसल्यूटली अगर आप नहीं कर रहे हो यू आर शूटिंग इन द डार्क यू डो वॉट स्टिक्स एंड यू डोंट इवन नो इफ यू हैॉटन द बेस्ट आउट ऑफ यूर विनिंग एड क्रिएटिव आपको लगता है कि एड क्रिएटिव की परफॉर्मेंस अच्छी है बट क्या उससे बेटर हो सकती है यू डोंट इवन नो बिकॉज यू नॉट टेस्ट ऑल द वेबल्स सो हाउ डू यू टेस्ट ऑप्टिमाइज नाउ स्केल यूजिंग दिस इनफॉर्मेशन दर आई शेयर विद यू इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जिसको हम मैं बोलता हूँ वन वन थ्री फ्रेमवर्क जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है वन कैंपेन, वन एड सेट एंड थ्री वेरिएशन ऑफ द सेम एड न आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस एंड नॉट गेट कन्फ्यूज बिकॉज मेरी टीम जब इनिशियली मैंने किसी को हायर किया था बहुत टाइम पहले तो वो जो एक काइंड ऑफ फ्रेशर था बिगनर था इन मीडिया बाइंग तो उसको ये चीज़ समझ नहीं आई थी सो आई वॉन्ट शेयर दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस की ये एड क्रिएटिव के बारे में बात हो रही है सो so, हम अलग अलग एड क्रिएटिव को एक ही साथ टेस्ट नहीं करेंगे इस मेथड को यूज करके हम ये एड क्रिएटिव की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहा है राइट व्हाट्स द टाइटल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हाउ टू ऑप्टिमाइज द एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस राइट एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस बाई अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग द एट वेरिएबल्स ऑफ वन एड और एन एड राइट दिस इज नॉट टेस्टिंग लाइक फाइव एडिज सेबाउट वन एड क्रिएटिव एंड उसके साथ के बेस्ट कॉम्बिनेशन सो ये हमारा फ्रेमवर्क होता है वन वन थ्री वन कैंपेन वन एड सेट थ्री वेरिएशन ऑफ द सेम एड नाउ इस पे मैं आपको तीन कुछ पॉइंटर्स देना चाहता हूं पहले तो ये याद रखना दैट यू डोंट वॉन्ट टू टेस्ट मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम और वन कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल एट अ टाइम ओके हर इस टेस्ट में फ्रेमवर्क में वन वन थ्री में एड क्रिएटिव सेम ही रहता है जैसे मैंने पहले बोला बट वेरिएबल्स चेंज होते हैं राइट वेरिएबल्स

सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट और रैंडमली पांच छह आठ ऑडियंस इंटरेस्ट करके पांच एड्स डाल के सीबीओ कैंपेन स्ट्रेटेजीज या ऐसा कुछ मत करना ये काम नहीं करता ओके okay? एक कैंपेन एक एड सेट उस एक सेट में जो ऑडियंस इंटरेस्ट आप चूज करोगे वो वो होगा जो मोस्ट रेलिवेंट होगा सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आ, किसी को सर्व कर रहे हो स्टॉक ट्रेडिंग का कुछ राइट right? तो so आप उसमें जो जो भी रेलिवेंट होगा डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नीश हो योर प्रोडक्ट आप उसी को सिलेक्ट लोगे राइट तो फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ट्रेडिंग तो आप उसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे थर्ड पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू रिमेंबर इज दैट इफ यू आर रनिंग एड्स एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई दिस टू इंस्टेंटली बूस्ट परफॉर्मेंस देन इन दैट केस वॉट यू कैन डू इज आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने एड अकाउंट का जो भी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग विनिंग ऑडियंस इंटरेस्ट है उस एक इंटरेस्ट को चूज करिएगा और इस प्रोसेस को इस मेथडोलॉजी को इंप्लीमेंट कर देना सो so, जो भी सेट में इंटरेस्ट चूज करोगे वो अपना विनिंग ऑडियंस इंटरेस्ट ही चूज करना सो so, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क आप यूज करते हो बिकॉज ये सिर्फ आप स्टार्टिंग में तो नहीं करोगे ये तो आप ओवर एंड यू नो अगेन एंड अगेन करते रहोगे तो जब भी इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया जाता है जो भी हम सेट में ऑडियंस इंटरेस्ट यूज करते हैं इट हैज टू बी अ विनिंग ऑडियंस ओके विनिंग ऑडियंस इंटरेस्ट

लेकिन आप डिफरेंट एड कॉपी हुक एंड डिफरेंट हेडलाइंस रखोगे सो so, कितनी एड्स हैं तीन एड्स हैं इसका मतलब सेम ऐड क्रिएटिव तीनों सेम क्रिएटिव सेम ऐड कॉपी तीनों सेम ऐड कॉपी लेकिन उन तीनों में आप अलग अलग एड एंड हेडलाइंस डालोगे याद करो एड कॉपी हुक क्या था एड कॉपी हुक था ये एड कॉपी हुक था ये द फर्स्ट फ्यू लाइन्स दैट यू सी बिफोर यू हिट द सी मोर बटन दैट्स द एड कॉपी हुक देडलाइन ऑफ कोर्स इज द टेक्स दैट गोज राइट नेक्स्ट टू द लर्न मोर बटन सो इन चीजों को आप इनके कॉम्बिनेशन को आप टेस्ट करोगे पहले टेस्ट में जब लॉन्च करोगे आर वी ट्राई टू बेसिकली फाइंड आउट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इज दैट विच कॉम्बिनेशन ऑफ द द्रिएटिवी क्रिएटिव और द कॉपी हुक और द बेस्ट सो वी आर नॉट जस्ट डूइंग लॉन्चिंग वन थिंग एंड जस्ट यू नो अगर किस्मत पे रिलाई कर रहे हैं लक पे कि ये बेटर चल जाएगा या इससे बेटर हो नहीं सकता वी आर इंश्योरिंग दैट वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ एन एड क्रिएटिव दैट्स नंबर वन and not just that doing it this way we can actually even push our ad further and make it reach to even newer audience using the same ad creative because i'm ad creative change kar rahe hai, right? ad creative, right You ad creative with combinations variables ko test kar sakte ho. how so from there once you find the winning combination in the first test which is jobi app key ad creative kasatka headline ad copy hook and ad copy whatever combination will appeal test se. इसके बाद आप कंटिन्यू करते हो टेस्ट विच इज यूजिंग दिस सेम फ्रेमवर्क यू लॉन्च अगेन टू टेस्ट इट फर्दर एंड दिस टाइम यू लॉन्च फॉर एग्जाम्पल यू टेस्टिंग यू आर नाउ टेस्टिंग थ्री एट कॉपी विद द विनिंग एड क्रिएटिव एट कॉपी हुक इन हेडलाइन सो अब आपको वो एक कॉम्बिनेशन मिली एक एड नहीं तीनों में से एक बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे एक को बेस्ट को उठाया अब हमने नया फिर से ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया नए कैंपेन के साथ और उसमें जब हमने लॉन्च किया तो हमने सिंपली एड कॉपी की तीन वेरिएशन टेस्ट करी एड कॉपी हुक हेडलाइन एंड एड क्रिएटिव को सेम रखा एग्जाम्पल नंबर टू हम थमनेल्स भी टेस्ट कर सकते हैं सो so, हम क्या कर सकते हैं हमने जो भी विनिंग कॉम्बिनेशन मिला पहले टेस्ट में हमने उस विनिंग कॉम्बिनेशन को उठाया तीन थमनेल्स हमने क्रिएटिव एंटीटिविकेट चेंज करे और उसको रन कर दिया इस तरह से आप अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया आप इन वेरिएबल्स को एक एक करके या दो दो करके कॉम्बिनेशन में टेस्ट कर सकते हैं एंड इट इज यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन गाइज दैट वी हैव बीन एबल टू गेट सच काइंड ऑफ इनसेन रिजल्ट फॉर अर क्लाइंट्स एंड आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर क्लाइंट ऑफ आर्स ही डिड आई थिंक अराउंड सिक्स एड्स एंड एक साल ऑलमोस्ट एक साल उन्होंने नई एड्स बनाई भी नहीं हमने उन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी हम उस एक उन पाँच एड्स छः एड्स में से टॉप परफॉर्मिंग तीन से चार एड्स थी उसी को ही हम टेस्ट कर करके कर करके ऑप्टिमाइज कर करके कर, उनका एड अकाउंट को हम स्केल करके लिया इनफैक्ट सिमिलर स्टोरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट इज वेल जिसको हमने जीरो से फिफ्टी थ्री थाउजेंड पर डे स्पेंड किया था सो ये था लेसन एंड हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज क्रिएट परफॉर्मेंस ऑफ फेसबुक एड्स एंड इंस्टेंटली गेट टेन एक्स बेटर रिटर्न ऑन एड एड्स बिकॉज मैं आपको साथ प्रूफ शेयर कर रहा हूँ बाई अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग एट वेरिएबल्स of an ad. I hope आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी मेरी यही इंटेंशन थी कि मैं आप तक ये पहुंचाऊं कि किस तरह आप सेम एक एड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को या एक पर्टिकुलर एड क्रिएटिव को किस तरह रैपिडली टेस्ट करके सेम एड क्रिएटिव को बार बार घुमा के और अलग अलग तरह से टेस्ट करके आप अपने एड अकाउंट्स को स्केल कर सकते हो हमने ये मैकेनिज्म खुद टेस्ट किए हैं और एक एड एक अकाउंट बनी मल्टीपल एड अकाउंट्स में fact, हमारा ये इन हाउस गो टू मेथड है जो हम ओवर एंड ओवर यूज करते हैं हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको वैल्यू मिली एंड यू रियली सम रियल एक्शनेबल इन एंड गोल्डन नगेट्स एंड आई होप दू गो आउट एंड एक्ट दिस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट लाइक जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको आने वाले वीडियोस में वैल्यू ना मिली गाइस यू कैन जस्ट गो अहेड एंड अनसब्सक्राइब विदाउट अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट कीप गेटिंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट वैल्यू फ्रॉम आर अपकमिंग वीडियोज बट अगर आपको वैल्यू मिली तो लाइक like, सब्सक्राइब करना